हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इन लोग में। सबसे पहले मैं आपको आज मैं ये नहीं कह रही चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो या वीडियो को शेयर करो, नो। ठीक है, मैं आज जो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कमेंट्स का कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि मैं इतनी ठाली तो बैठी नहीं थी तुम्हारे एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ये बहुत सारे काम होते हैं, तुम तो ठाली हो, तुम किस टाइप की लड़कियां लेडीज हैं ये। जैसे ऐसे रहता है गली में एक खड़ी जाती है चुगली करने के लिए कि अरे उसके ऐसे हो रहा था वहाँ पर, ऐसा हो रहा है, तो फिर 10-12 हो रहा के झुंड बना के बैठ जाती है वहाँ। अच्छा ऐसे हो रहा है तो चलो उसकी चर्चा शुरू, मतलब वो कुछ काम नहीं, बस भागा भागा ताला की वीडियो पे जाना, वहाँ कमेंट करना, फिर भागे भागे मेरी वीडियो पे आना, यहाँ कमेंट करना, वहाँ पढ़ना, यहाँ पढ़ना। मतलब इन्होंने अपना पूरा दिन इसमें निकाल दिया कि पहले वहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, पहले वहाँ जाओ फिर यहाँ आओ। अरे तुम्हें पता क्या बोलूँ, मतलब कि तुम्हें मैं, मतलब कि इस टाइप के होते कि एक औरत की बातों में सारी औरत आ जाना, मतलब कि ओनली थंबनेल देखकर मेरा और कमेंट कर देना, ये नहीं देखना कि वीडियो में क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला, ये वीडियो से किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ इस चीज़ से कि हमने तो थंबनेल पढ़ लिया और उठा के उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दी। ठीक है, थंबनेल में बोल दिया परी लोग ने कि इसका बेटा तो इसकी तरह काला है, पर ये समझने किसी में शक्ति नहीं है, देखने किसी में हिम्मत नहीं है कि वीडियो के अंदर काला ये इसने थंबनेल लगाया क्यों है। तो अब सुन लो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, मैंने तारा के बेटे को थंबनेल काला नहीं बोला, थंबनेल में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, वो किसी एक बंदी ने बोला था, मैंने सिर्फ उसको जवाब दिया था कि किसी के बेटे को काला नहीं बोलना चाहिए, उस माँ से पूछो जो बेटे को 9 महीने पेट में रख के जन्म दिया है किसी ने। ठीक है, चाहे किसी का बेटा काला हो चाहे किसी का बेटा गोरा हो, सबके लिए अपनी औलाद बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, जान से ज़्यादा प्यारी होती है। ठीक है, तारा को सपोर्ट किया था, तारा को सपोर्ट, ऐसा नहीं कि तारा के खिलाफ बोला था मैंने कुछ। ठीक है, मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो पहले ना ये चर्चा करनी बंद कर दिया करो। ये ना फालतू की ठाली औरतों की तरह चुगली करने से अच्छा है कि पहले उस चीज़ को देख लो, सुन लो क्या बोला है, पहले तुम्हारे कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर कर देती थोड़े से। रही तारा की डिलीवरी के लेकर बात, तारा की डिलीवरी को लेकर मैंने बोला था कि लगता नहीं है उसकी किसी एक्टिविटी से कि वो उसको ऑपरेशन हुआ है, मैंने नहीं बहुत सारे लोग बोला है, उसके 50% सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि लगता नहीं है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया, उसके बाद मैंने देखो स्टोरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मैंने खुद स्टोरी बोला तारा अपनी वीडियो में तारा को लेकर कि तारा इस चीज़ के लिए मैं स्टोरी बोलती हूँ, हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं भी एक माँ हूँ, अगर तुम्हारा दिल दुखाए उस चीज़ के लिए तो आई एम सॉरी। मैंने किसी भी वीडियो में तारा के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, ना तारा को डिमोटिवेट किया है। हाँ यही चप्पल वाली बात, तो हाँ मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, वो गलत है तो वो गलत है। ठीक है, साथ ही उन लोगों के लिए बोलती हूँ मैं जो कहते हैं ना इसकी वीडियो पे रिपोर्ट मारो, इसकी आईडी पे रिपोर्ट मारो, इसकी आईडी पे रिपोर्ट मारो, तो एक बार बताऊँ वो जो यूट्यूब वाले हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये तुम्हारे मामा के लुंडे नहीं बैठे वहाँ कि तुम रिपोर्ट मारोगे या वो चैनल को उड़ा देंगे। ठीक है, उन्हें भी इतनी अकल है, पहले वो देखते हैं वीडियो में कि क्या इस वीडियो में है क्या। ठीक है, और मैंने उसने कोई यही स्पीच दी हुई है ना, मैंने कुछ किसी कुछ गलत बोला है, तो वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं लगते कि तुम चाहोगे तो तुम रिपोर्ट मारोगे तो चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, मेरे जो मैंने तारा के ऊपर वीडियो बनाई थी ना उस वीडियो पे ना 4000 लाइक हैं, वो सिर्फ तारा की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसके लिए तुम इतने बौखला रहे हो और उसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया था, उसमें 4000 लाइक हैं, 4000 लोगों ने वो वीडियो पसंद की है। अगर वो चार, अगर तुम ऐसे कहते हो ना कि आईडी में रिपोर्ट मारो और चैनल डिलीट हो जाएगा, अगर ऐसे चैनल डिलीट होने लग जाए ना तो वो जो 4000 लोग हैं ना जो मेरे सपोर्ट में हैं, जो तारा को उस वीडियो पर लाइक किया है, अगर वो जाके तारा की वीडियो पे आईडी पे रिपोर्ट मारेंगे ना तो तुम्हारे तारा का चैनल है ना वो भी उड़ के ना चांद में पहुंच जाएगा तारा के पास। ठीक है, वो भी आसमान में चांद के पास पहुंच जाएगा तारा, जैसे चैनल डिलीट होने लग जाए तो। ठीक है, वो तुम्हारे से नहीं आते रिपोर्ट मारने, रिपोर्ट जो 4000 लोग मेरी साइड है ना जो लाइक किया है, ये 4000 लोग जाके वहाँ रिपोर्ट मार सकते हैं, वो तुम्हारे तो मेरे रिश्तेदार हैं, यूट्यूब वाले ना ही तुम्हारे रिश्तेदार हैं यूट्यूब वाले। ठीक है, उन्हें समझ है, वो देखते हैं वीडियो में क्या गलत है क्या गलत नहीं है, अगर उन्हें कोई वीडियो गलत लगती है ना तो वो ऑन द स्पॉट उस वीडियो को रिमूव कर देते हैं, पहले ही वार्निंग का मैसेज, वो वार्निंग का सॉरी पहले ही वार्निंग का ना मेल आ जाता है। और तुम यूट्यूब अब चला रहे हो, 4000 सब्सक्राइबर बेशक है मेरे,
ठीक है, क्योंकि मैं फालतू की खिचड़ी में पड़ती नहीं हूँ। अगर कोई इंसान अपना फैमिली चैनल बना रहा है ना यूट्यूब पर, तो उसको ये सब कुछ सुनना पड़ता है। तारा ये कोई स्पेशल नहीं है कि इसको ट्रोल किया गया है, और मैंने तारा के अंगेज कुछ बोला ही नहीं है। तुम सिर्फ थंबनेल देख देख कर अपना अंदाजा लगा लेते हो कि इसने गलत बोला है, इसने गलत बोला है। अरे कम से कम एक बार वीडियो को जाकर देखा तो करो, वीडियो में क्या है। और रही कमेंट्स की बात, कि कमेंट्स क्यों रिमूव, कमेंट्स सेक्शन क्यों ऑफ किया, मेरा चैनल, मेरे कमेंट, मैं उन्हें रिमूव करूं चाहे रखूं, तुम्हें क्या मतलब, तुम कौन होते हो? मैं तो रिमूव करूंगी, ऐसे रिमूव करूंगी और ऐसे कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगी, ऐसे कमेंट सेक्शन ऑफ करूंगी, कर लो जो करना है। और तुम मतलब थकते नहीं हो यार, इतने लंबे लंबे कमेंट करते हो, इतने लंबे लंबे कमेंट करते हो, पता मैं क्या करती हूँ, दूध में से मक्खी को निकल के बगल फेंक देते हैं ना, ऐसे तुम्हारे कमेंट को उठा के और डस्टबिन में डाल देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। करते रहो तुम, खूब लंबे लंबे कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई देती हूँ, ये कमेंट्स जो है मेरी फ्रेंड ने निकाल के दिए हैं कि इनका रिप्लाई तो तू दे ही दे। तो मैं, मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते, अभी मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या बिलोंग करती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। कितने अंधे से लगाने हैं, लगाओ। सबसे पहले मैं एक कमेंट है वो पढ़ देती हूँ, मिस्टर एंड मिसिस पहाड़ी 877 इनकी आईडी है, ठीक है, मिस्टर एंड मिसिस पहाड़ी। तू जैसी अम्मा का तो सी सेक्शन होता ना, तो तू हाँ तो जी कवर भी नहीं करती। तू जैसी अम्मा का अगर सी सेक्शन हुआ होता तो तू जी कवर भी नहीं करती, तू तो मर गई होती, ठीक है। वो बच्ची है और तू अम्मा है, तो दादी जी मैं अम्मा हूँ ना तेरी, तो कान खोल के सुनिए अपनी अम्मा की बात अब, ठीक है। चल तुम्हें अम्मा ही मान, चल तूने इज्जत तो दी, तू अम्मा ही मान, तो एक बार कान खोल कर सुन ली अच्छे से। मेरी एज ओनली 31 ईयर्स है, ठीक है, मेरी जो एज है वो ओनली 31 ईयर्स है। और जो मेरी बेटी है ना, तू कहती है ना तारा मेरी बेटी के समान है, बेटी तारा मेरी जो बेटी है ना वो ओनली 9 साल की है, ठीक है। और रही तारा की, तारा मेरी बेटी के समान है, तो एक काम कर, सॉरी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो वहाँ आसपास रहते हों, मैं उनको एक काम बताती हूँ, तारा को जाके ना एक दूध की बोतल देना मेरी तरफ से, बच्ची है उसने बच्चे को जन्म देते दूध बोतल से दूध पी लिया करेगी वो, क्योंकि इनको मैं लगता है कि मैं अम्मा हूँ, वो मेरी बेटी के समान हैं, तो मेरी बेटी तो भी 9 साल की है, वो दूध ही पीती है, तो तारा को भी एक दूध की बोतल पहुँचा देना, वो भी दूध पी लेगी मेरी तरफ से, ठीक है। मतलब बोलने की तमीज़ नहीं, बिल्कुल लिमिट फेल है कि क्या बोलना है क्या बोलना। चल मैं अम्मा ही सही। दूसरा कमेंट क्या, ये भगवान सिंह, हाँ तुम मत सिखाओ हमको कि हम कैसे खाना खाते हैं, और हम भी उत्तराखंड से ही हैं और हम चप्पल पहनकर ही खाना खाते हैं, तो एक काम करना चप्पल पहन के देखो, हमारे तो खाना खाते हैं नहीं है ना, उत्तराखंड में कहीं खाना खाते हैं चप्पल पहन के, तुम चप्पल ना बेड पर रख के खाना खा लेना, ठीक है, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। इस चीज़ से ना तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम क्या हो, इस चीज़ से तुम मुझे गलत साबित नहीं कर रहे कि हम चप्पल पहन के खाना खाते हैं, इस चीज़ से ना तुम अपने आप को साबित कर रहे हो कि तुम क्या हो, तुम चप्पल पहन के खाना खाते हो। तो एक काम करना, मेरी तरफ से चप्पल को बैठ करके खाना खा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से तुम अपने आप को साबित कर रहे हो, मुझे साबित नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, चेतना द्विवेदी, इसको न्यूज़ रिपोर्टर बना दो, बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही हूँ, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही हूँ, और मैं क्या बनना है क्या नहीं बनना वो मुझे पता है, तो तुम मुझे समझाने की जरूरत मत करो कि मुझे क्या बनना है। कोमल सिंह, बहुत सारे कमेंट है, ये वैसे कोमल सिंह का नहीं है, बहुत सारे कमेंट है, लेकिन मुझे ये कमेंट दिया गया है, चलो मैं इस कमेंट को बोल देती हूँ। आप कौन होते हो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, तो तू कौन होती है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, तू कौन होती है मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तू भी कोई नहीं है मेरी जो मुझे समझाने वाली कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मेरा चैनल मेरी मर्जी, मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है रिया तमांग, तुम्हें सिर्फ तारा राहुल पर ही क्यों रिएक्शन दिया है, तो पहले अच्छे से आँख खोल कर चश्मा लगा कर, मैं देती नहीं हूँ कभी किसी बदतमी से बोलती नहीं हूँ, मैं हमेशा आँख अफ करके बोलती हूँ, लेकिन ये जो कमेंट का मैं रिप्लाई दे रही हूँ तुम्हारी ही भाषा में दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, तुम्हें सिर्फ तारा राहुल पर ही रिएक्शन देना आता है, तो पहले एक काम करना नीचे से जाके ऊपर तक वीडियो देखना, और जब बताना कि किस पे रिएक्शन दिया है किस पे रिएक्शन नहीं दिया है। और एक बार बता दूँ, पहले ना वीडियो को अच्छे से सुन लेना, उसके बाद ही कमेंट करना। महिमा चौधरी,
का कमेंट आया था कि तारा ने अपना पहले से ही ये चेक कराया हुआ था अल्ट्रासाउंड पैसे देकर कि उसका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल हो, ठीक है। और इन्होंने बोला था महिमा चौधरी ने कि मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ जहाँ पर तारा ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, मैं चाहती तो इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकती थी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो तारा को लेकर मेरे पास कमेंट आते हैं कि तारा के हम बिल्कुल बराबर में रहते हैं, तारा को जानते हैं, तारा को बहुत अच्छे जानते हैं, वो सब झूठ बोलती है, बहुत ड्रामे करती है, ऐसे एक नहीं हज़ारों में कमेंट है मेरे पास, हज़ारों में प्रूफ है मेरे पास जो मैं यहाँ ला के रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं लाती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अपनी लिमिट कि मैं कहाँ तक बोल सकती हूँ, कहाँ तक नहीं बोलना चाहिए, तो मैं एक लिमिट में रह के बोलती हूँ। लेकिन जो आज भी ये बोल रही हूँ ना मैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम लिमिट क्रॉस करवा रहे हो मेरी। मैंने तारा को कभी गलत नहीं बोला। उसके बाद वर्षा खाती 2580 इनकी ईमेल आईडी है, तू कौन होती है उनको कुछ बोलने वाली, तो तू कौन होती है मुझे कुछ बोलने वाली, कहती है कि मैं उनकी तारा उनकी फैन हूँ, तो फैन है ना तो उनके वहाँ जाकर उड़, मेरे पास उड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तू जैसे फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे फ़ैन हैं तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ उड़ती हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल से मुझे बोलती है यहाँ से निकल, तो मैडम जी तू मेरे चैनल पे आई है, तू यहाँ से निकल पतली गली से, ठीक है। तेरे से अगर तेरे से नहीं उड़ा जा रहा तो मेरे से अच्छे से उड़ान आता है, कैसे उड़ाया जाता है तुझ जैसे लोगों को, ठीक है। अगर तुम लोगों को एक बता दूँ, अगर तुम लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है ना कि मेरे चैनल पे तुम आते हो और कमेंट करते हो, तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगी कि तुम मेरे चैनल पर कभी आ ही नहीं पाओगे, तुम मेरी वीडियो तुम्हें शो होगी ही नहीं, ठीक है। अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे रही हूँ, तो उसे मेरी कमजोरी मत समझो। मैं चुप हूँ तो सिर्फ पता नहीं किस वजह से चुप हूँ, आज मैंने सिर्फ इतने कमेंट्स का जवाब दिया है, चाहती तो और कमेंट्स का भी जवाब दे सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का तुम्हारी बकवास सुनने के नाम का, ठीक है। और एक ने क्या बोला था, चप्पल जैसी शक्ल है तेरी, अगर जो तूने बोलता ना कि चप्पल जैसी शक्ल है मेरी, अगर ये चप्पल तेरे मुँह पर लगने लग गई ना तो सारे दांत ने तेरे बाहर निकल जाएंगे और बोलने लायक नहीं बचेगी, ये चप्पल ही है ना, चप्पल की शक्ल तेरे मेरी, ये चप्पल ही ऐसी है कि तेरा मुँह इतना गुदर पीटेगा ना कि बोलना छोड़ देगी और सारे दांत जो है ना मुंह के बाहर निकल के आ जाएंगे, ये चप्पल सही कर देगी। हाँ फालतू की बकवास सुनने जा रही है इसमें इनकी बकवास। हाँ बिल्कुल लिमिट खराब कर दी, समझ में चप्पल से मुंह बताया था ना मेरा, इस चप्पल से पीटेगी समझ गई, और सारे जो दांत है ना बोलने लायक नहीं बचेगी, इसलिए लिमिट में रहकर बोला करो, अगले बंदे के पास भी आवाज़ है बोलने के लिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारी सुनता रहेगा, तो पहले अच्छे से वीडियो कान खोल के पहले वो सुन लिया कर, वीडियो को अच्छे से सुन लिया कर और उसके बाद बोला करो। और मैंने कोई तुम्हें इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा कि आओ आओ मेरे चैनल पे आओ मेरी वीडियो देखो कमेंट करो, तुम खुद आती हो भागी दौड़ी, ठीक है। और तुम कहते हो तुम्हें क्या मतलब उनको कुछ भी बोलने का, अरे तुम्हें क्या मतलब मेरे बारे में कुछ भी बोलने का, मेरी मर्जी मेरा चैनल मैं जो करूँ मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले। फिर हम तारा राहुल के फैन है तो वहाँ जाके उड़ो ना, उन्हें जरूरत होगी फैन की, मुझे जरूरत नहीं है फैन की, हम तो कूलर से काम चला लेंगे, फैन वहाँ जाके उड़ो, मतलब ज़्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ तो, गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ना फैन काम ही नहीं करते, हमारे यहाँ तो कूलर है इसकी जरूरत पड़ती है, और कोई सी एसी या कूलर है तो आ जाइए। तो एक लिमिट होती है किसी चीज़ की बर्दाश्त करने की, तुमने लिमिट ही क्रॉस कर दी बिल्कुल, तुम हो मिस सुंदरी, वो पता नहीं क्या क्या बहन, तो बस मेरे मुंह से फालतू की बकवास मत मरवाओ, मैं फालतू नहीं बोलती किसी के बारे में, ना ये मुझे कोई मतलब किसी से फालतू बोलने का, इसलिए मैं किसी कमेंट का जवाब भी नहीं देती हूँ। आज भी मैंने ये 2-4 कमेंट को जवाब दिया है ना, सिर्फ इसलिए कि ये लिमिट से बाहर बोल रहे थे कुछ, तो मेरे चैनल पे आके मुझे बोलती है निकल यहाँ से, अरे चैनल पे तू आ रही है मेरे, बकवास तू कर रही है मेरे, और बोलती है मुझे निकलने का, तू निकल, जैसे ना निकल तो मैं निकल होती है, मेरी मर्जी मेरा चैनल, मैं कमेंट ऑफ करूँ ऑन करूँ तुम्हें क्या मतलब, बस हम तो राहुल के फैन है तो वहां जाके उड़ो ना, यहाँ के उड़ने के लिए आ रहे हो, और तू चप्पल जैसी शिकल वाली ध्यान रखी चप्पल समझ गई, 7 नंबर की चप्पल आती है मुंह पर इतनी बजेंगी ना कि सारे दांत ही बाहर निकल कर जाएंगे तेरे ये, ठीक है, ये चप्पल सही कर देगी तुझे, जरूरत नहीं पड़ने की दूसरी किस चीज की, और तेरा नाम भी लिया मैंने स्पेशलिस्ट लिया, चाहती तो तेरा नाम लेकर भी तुझे बता सकती थी, लेकिन तेरा नाम मैंने स्पेशल लिया नहीं है,
और हाँ अम्मा, जो तू मुझे अम्मा बोल रही थी ना, एक दूध की बोतल मेरे को सब्सक्राइबर दिया आएगा, पिया दिए तारा को अपने हाथ से पिया दिए, ठीक है। वो छोटी बच्ची है अभी, मेरी बेटी की उम्र की है ना, तो मेरी बेटी अभी 9 साल की है सिर्फ, ठीक है, यकीन नहीं आता दिखाऊं क्या, तो मेरी बेटी ये है और सिर्फ 9 साल की है, ठीक है। अगर तू तारा को तारा की बराबरी इससे कर दी है ना, तो ये भी दूध पीती है। और देख अभी भी है ना चिप्स खाती, इसे 2-4 चिप्स के पैकेट भी दिए, ठीक है। और ये मेरा बेटा है, ये 8 साल का है, ठीक है। तो मेरे दोनों बच्चे ना सिर्फ 8-9 साल के हैं। अब तो अंदर लगा लिया कि मेरी एज कितनी होगी और तेरी एज कितनी होगी, कोई नहीं बोल रहा ना, तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ, कोई नहीं बोल रहा, जवान सबके मुंह में हर कोई जवाब दे सकता है। और तू मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानती, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी असलियत जान की ना, तो फिर तुम ये बोलना ना बंद कर दोगे। और आज सिर्फ मैंने इतना बोला है, और आगे एक एक के कमेंट का ऐसे ही जवाब मिलेगा, करो तुम कमेंट और तुम्हें मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ। और एक और काम सुनना, तारा के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, ये वीडियो तारा के ऊपर नहीं है, ये ओनली वीडियो तुम जैसे चमचियों के लिए है। फिर चला तुम चमचियों के नाम से, मैं खुद बोलती हूँ चमची चमची चमची।